इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में इंडिया ने जबरदस्त तरीके से मुकाबले को जीत लिया। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2019 के 22वें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने पाकिस्तान को 337 रनों का लक्ष्य दिया। इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 336 रन बनाए। इंडिया की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने बल्ले से चौको छक्कों की बरसात करते हुए 113 गेंदों का सामना करते हुए 140 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 3 आग उगलते छक्के भी लगाए। तो वहीं उनका साथ दे रहे केएल राहुल ने भी जबरदस्त पारी खेली और केएल राहुल ने अपनी इस पारी में 57 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के लगाए। अब बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने 65 गेंदों का सामना करते हुए 77 रन बनाए, जिसमें 7 चौके लगाए और अपनी टीम का स्कोर 336 रन तक पहुंचाने का बड़ा योगदान दिया। 337 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला 89 रन से हार गई। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन फखर जमान ने बनाए। फखर जमान ने अपनी इस पारी में 75 गेंदों का सामना करते हुए 62 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का लगाया। तो वहीं बाबर आजम ने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 48 रन की पारी खेली। आखिरी में बल्लेबाजी कर रहे इमाद वसीम और शादाब खान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, पर अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। आपको मुंबई इंडियन की जीत और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ पारी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।